आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम बहुभुज और उनके प्रकार, चतुर्भुज के कोण, योग, गुणधर्म तथा समलंब के बारे में जान चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पतंग तथा पतंग की विशेषताओं को समझेंगे। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? बिल्कुल सही पहचाना आप सबने, ये एक पतंग है। आप सभी ने पतंग उड़ाई होगी और बहुत मजे भी किए होंगे। क्या आप जानते हैं पतंग ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण भाग है? वर्ग, आयत, समलंब, समांतर चतुर्भुज की तरह पतंग भी एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है। पतंग मात्र देखने से समझने में आसान है, परंतु सटीक गणितीय शब्दों में परिभाषित करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भी एक चतुर्भुज है। इसलिए इसमें भी चार शीर्ष, चार भुजाएं, चार कोण तथा दो विकर्ण हैं। आइए इन शीर्षों को M, N, O व P से नामांकित कर देते हैं। यदि आप गौर करें तो देखेंगे कि भुजाओं M, N व M, P का ये युग्म अन्य दोनों भुजाओं O, N व O, P से छोटा है। इस पतंग के दो विकर्ण M, O व N, P हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु माना X पर प्रतिच्छेद करते हैं। आइए इन पर चर्चा करते हैं। अगर इस चतुर्भुज पतंग को इसके विकर्ण NP के सापेक्ष मोड़ें, तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज MNP त्रिभुज NOP से छोटा है, अर्थात दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर माप के नहीं होंगे। यदि शीर्ष O को शीर्ष M पर रखें, तो आप देख सकते हैं कि दोनों कोणों के माप समान नहीं हैं। अब अगर विकर्ण MO की बात करें, तो आप देखेंगे कि यहां विकर्ण MO इस पतंग को दो त्रिभुजों MNO व MPO में विभक्त करता है। पतंग को इस विकर्ण MO के सापेक्ष इस तरह मोड़ने पर हम देख सकते हैं त्रिभुज MNO त्रिभुज MPO को पूरी तरह ढक लेता है। निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम हैं, अर्थात दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर माप के होंगे, यानी कि संगत भुजाएं MN व MP तथा भुजाएं ON व OP बराबर हैं और संगत कोण MNO व MPO भी बराबर माप के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पतंग में अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। प्रत्येक युग्म की दोनों भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। दो असमान माप की भुजाओं के बीच बनने वाले कोण बराबर माप के होते हैं और समान माप की भुजाओं के बीच बनने वाले कोण असमान होते हैं। आइए एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं कि पतंग के दोनों विकर्ण समान माप के नहीं हैं। अब यदि त्रिभुजों MNP व OPN पर गौर करें, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर माप की हैं और MX व OX क्रमशः त्रिभुजों MNP व OPN के शीर्षों M तथा O से माध्यिकाएं हैं, जिसकी मदद से हम कह सकते हैं कि NX व PX की माप बराबर है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पतंग का बड़ा विकर्ण MO छोटे विकर्ण NP को समद्विभाजित करता है। हम जानते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में
दो बराबर भुजाओं के बीच शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाई गई माध्यिका उस पर लंब होती है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज MNP में रेखाखंड MX भुजा NP को लंब समद्विभाजित करता है। इसी तरह रेखाखंड OX भुजा NP को लंब समद्विभाजित करता है। MX जमा OX MO के बराबर है, इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पतंग का बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करता है। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के बीच शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाई गई माध्यिका शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है, यानी विकर्ण MO कोणों M व O को समद्विभाजित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पतंग के असमान कोणों के शीर्षों से बनने वाला विकर्ण इन कोणों को समद्विभाजित करता है। आज इस वीडियो में हमने पतंग और पतंग की विशेषताओं को समझा। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।